दोस्तों, The Officer नाम से ये नया YouTube चैनल बनाने का मकसद आप लोगों को भारतीय अफसरों के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करवाना है। साथ ही आपको IAS IPS समेत उन तमाम ऐसे अफसरों की जिंदगी के बारे में भी बताना है जो हमारे लिए संघर्ष, मेहनत और कामयाबी की मिसाल हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत के उस शख्स के बारे में जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने जाने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। उनका नाम है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानने से पूर्व भारत में अफसरों की नियुक्ति के इतिहास पर नजर जरूर डाल लीजिए। दोस्तों, वर्ष 1832 में अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए मुंसिफ और सदर अमीन पद बनाए थे। इससे पहले ब्रिटिश राज में इन पदों पर केवल अंग्रेजों का ही चयन होता था। वर्ष 1833 में डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर भी भारतीयों को चयन की इजाजत दे दी गई थी। अंग्रेज इन अफसरों के जरिए भारतीय जमींदारों से टैक्स वसूला करते थे। अब जानिए भारत के पहले IAS सत्येंद्रनाथ के सफर के बारे में। सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। ये महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। इसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। जून 1863 में पहली बार सत्येंद्रनाथ का चयन हुआ था। वर्तमान में अफसरों की ट्रेनिंग अपने देश में ही होती है, मगर उस समय सत्येंद्रनाथ को ट्रेनिंग के लिए लंदन जाना पड़ा था। वो नवंबर 1864 में भारत लौटे और 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। उन्होंने 30 साल सिविल सर्विसेज में सेवाएं दी। उन दिनों अधिकारियों का मुख्य काम टैक्स की उगाही करना होता था। टैक्स कलेक्ट करने के नाम पर जिला कलेक्टर का नाम पड़ा। उस समय कलेक्टर के पास पूरे जिले में अंग्रेजों के लिए टैक्स कलेक्ट करने का जिम्मा होता था। सत्येंद्र टैगोर के 1896 महाराष्ट्र के सतारा में जज के पद से रिटायर हुए थे। 9 जनवरी 1923 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, चैनल का ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रियल लाइफ हीरो के इस अनूठे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटे के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको भविष्य में ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।